हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी आज की रेसिपी है गोभी मंचूरियन। गोभी तो हमारे किचन में होती ही है, पर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और उसे ब्लांच कर लेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और हमारी कटी हुई गोभी उसमें डाल दीजिए। इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्का पका लीजिए। हमें गोभी को पूरी तरह यहाँ नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा उसका कच्चापन निकालना है। पानी ड्रेन करते ही आप इसमें ठंडा पानी भी ऐड करोगे, इससे हम गोभी का कुकिंग प्रोसेस यहीं रोक देंगे। यू आर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, लेट मी शेयर अ क्विक टिप। अगर आपको लगे कि काटते वक्त गोभी में कीड़े हैं, तो काटते ही इसे आप थोड़ी देर के लिए नमक और हल्दी के पानी में रख दीजिए। ऐसा करने से कीड़े ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए वापस हमारे मंचूरियन पे आते हैं। गोभी ठंडी हो चुकी है, उसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, याद रखिए थोड़ा नमक हमने उबालते वक्त भी डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्न स्टार्च, ये सिर्फ इसकी पहली कोटिंग है। कॉर्न स्टार्च डालते ही हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कुछ मिनटों के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे, करीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे रेफ्रिजरेट करना टोटली अवॉइड कर सकते हो। पहली कोटिंग तो लग चुकी है, चलिए दूसरी कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, 4 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई लहसुन, फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और अदरक, और लगभग 1 से 2 चुटकी नमक। ये हम सिर्फ कोटिंग जितना डाल रहे हैं, क्योंकि गोभी में नमक हमने ऑलरेडी पहले डाल चुका है। इसमें धीरे धीरे करके पानी डालिए और एक थिक पेस्ट बना लीजिए। हमारी सेकेंड कोटिंग की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल फ्लोई नहीं बनानी है, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि गोभी के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। चलिए अब इसमें हमारी फर्स्ट कोटिंग की हुई गोभी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। मिलाने के दौरान अगर आपको लगे कि आपकी कोटिंग थोड़ी पतली है, तो आप इसमें बेझिझक थोड़ा कॉर्नस्टार्च या मैदा ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ इसमें ऊपर से 1 टीस्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ। गोभी पे 2 कोटिंग लगाने से इसका टेक्सचर एक्स्ट्रा क्रंची होगा। इसे बहुत अच्छी तरह मिला लीजिए एंड मेक श्योर कि कहीं भी छूट ना जाए। जब तक हम ये मिला रहे हैं, हम तेल भी गर्म करने रख देते हैं। जब तेल बहुत गर्म हो तो इसे मीडियम आंच पर एक एक करके इसमें गोभी डालें और फ्राई करना शुरू करें। ऑफकोर्स मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा इतरा के डाल रही हूँ, आप इसे हाथ से भी डाल सकते हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम हो और गोभी हर साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हो। तो बस इसी तरह एक एक करके गोभी इसमें डालते रहें और बैच वाइज इसे अच्छी तरह फ्राई करके निकालते रहें। जब आप अपनी गोभी का लास्ट बैच फ्राई कर रहे हो, तो सारी गोभी को एक साथ उसी तेल में हाई फ्लेम पर डाल दीजिए। ये डबल फ्राई करने से हम हमारी गोभी को क्रंची से एक्स्ट्रा क्रंची बना देंगे। तो बस इसे डालिए, लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह इसे फ्राई कर लीजिए और फिर सारी गोभी एक साथ निकाल लीजिए। तो ये बन गए हमारे गोभी के पकोड़े। चलिए अब इसकी सॉस बनानी शुरू करते हैं।
तो हर चाइनीज सॉस जहाँ से शुरू होता है वहीं से हम शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे ढेर सारी गार्लिक, उसे अच्छी तरह पका लेंगे और उसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और अदरक। अनियन और कैप्सिकम को डाइस्ड करके रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास अनियन ग्रीन्स है या बीन्स है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अब हमारे सॉसेस, तो सोया सॉस। इंडियन चाइनीज बिना केचप के तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो डालेंगे केचप, रेड चिली सॉस, और डिजायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नस्टार्च स्लरी। इसका मतलब हमने लिया है पानी और उसमें कॉर्नस्टार्च मिलाकर वो इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे अच्छी तरह पका लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रख सकते हो या फिर सिर्फ इतनी कि वो गोभी में अच्छी तरह कोट हो जाए। गोभी डालते ही इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। अगर आप इसे बाद में खाना चाहते हो तो गोभी के पकोड़े और सॉस बना के तैयार रख लीजिए और जब सर्व करने वाले हो तभी इसे इसमें मिला लीजिए। आखिरी में हम डालेंगे थोड़ी सफ़ेद तिल और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुद का ख्याल रखें। बाय बाय।